हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका डिफेंसिव रिसर्च स्पेशलिस्ट सब्सिडियरी फॉर बैक स्टॉक। तो गाइस आज है 4th अप्रैल 2022 और इस वीडियो में आज एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स कल के कैसे रहने वाले हैं और आने वाले हफ्ते के कैसे रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर निफ्टी की। तो देखिए निफ्टी आज 18,000 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है और इंट्राडे में अगर हम देखेंगे तो 18,114 का आज मार्केट ने हाई बना दिया। तो कल वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया भी था कि मार्केट जो है 17,640 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको ब्रेक कर चुका है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो उसके बाद 18,000 की तरफ मार्केट निकल जाएगा और एग्जैक्टली वैसा हुआ। 17,800 की तरफ थोड़ा सा रेजिस्टेंस था बट मार्केट ने आज उसको भी रिस्पेक्ट नहीं किया, उसको भी ब्रेक कर दिया एंड मार्केट ने आज ओपनिंग ही 17,800 के ऊपर दिया, 17,809 के ऊपर। तो कल जो हम लोगों ने आपको टारगेट दिया था 17,850 का, मार्केट इसी के आसपास ओपन हुआ और बैंक निफ्टी का जो आपको टारगेट दिया गया था 37,600 का, मार्केट ने इसके ऊपर ही आज आपको ऑलमोस्ट देखा जाए तो ओपनिंग दिया 37,824 के ऊपर। तो आज सभी के सभी लेवल्स को मार्केट ने तोड़ दिया, सभी को सरप्राइज किया और डेफिनेटली सभी के पोर्टफोलियो आज काफ़ी हद तक रिकवर किए होंगे और इसीलिए हम लोगों ने आपको 12 दिन पहले लास्ट आपको 2 हफ्ते पहले बोला गया था जब मार्केट यहाँ पर एक अच्छा खासा यहाँ पर एक ब्रेकआउट लेता हुआ दिखाई दे रहा था इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो आपको बोला गया था कि अब यहाँ से आप लोग जो है खरीदना स्टार्ट कर देना, माल यहाँ से बेचना मत बिकॉज अप्रैल महीना भी स्टार्ट हो चुका है, तो ऐसे में यहाँ पर सेल नहीं करना, यहाँ पर हम लोगों को परचेस करना है। तो आज मार्केट को जिस तरीके से यहाँ पर गैप अप मिला है तो हो सकता है मार्केट कल इसको फिल करने के लिए थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है और उसके पीछे कारण क्या है वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मार्केट जिस तरीके से भागी है इसके पीछे सबसे बड़े कारण है HDFC ग्रुप की वजह से। तो HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड दोनों को मिलाकर के एक एंटिटी बनाई जा रही है। अगर किसी के पास HDFC लिमिटेड के शेयर हैं तो उसको यहाँ पर 25 शेयर्स के बदले 42 शेयर्स मिलेंगे। अगर आपके पास 25 शेयर्स हैं HDFC में तो आपको 42 शेयर्स मिलेंगे किसके पास, HDFC बैंक के पास। तो अगर आप जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कर सकते हो बट पर्सनली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अवॉइड करते हैं इस तरह का जब भी कोई इवेंट आता है बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कई बार 2 से 3 साल का समय इनके अंदर लग सकता है इनका प्रॉपर जो है बुक्स को सेटलमेंट होने में और ऐसे में इनके इस 2 से 3 साल में प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। अभी उन सब बातों को हम लोग नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे बिकॉज इनके जो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं उन बॉन्ड्स की भी एक्सपायरी जो होती है 2-2, 3-3 साल की होती है और 3-3 महीने के 6-6 महीने के इस तरह से बॉन्ड्स होते हैं तो उनको सेटलमेंट होने में इनको समय लगता है, एकदम से इनकी बुक जो है पूरी ट्रांसफर नहीं हो सकती तो उसमें बहुत लंबा वक्त लग सकता है। तो अभी फिलहाल यहां पर हम लोग देखेंगे तो आज मार्केट को जिस तरीके से लीडरशिप मिला है बैंक निफ्टी आज देखिए 4% दौड़ा है, 4% बहुत बड़ी बात है, काफ़ी दिनों के बाद ऐसा देखने को मिला है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये है बैंक निफ्टी का ग्राफ। तो बहुत बड़ा गैप अप हुआ है और इस गैप अप को मार्केट जो है हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको कूल डाउन कल होता हुआ दिखाई दे। तो अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे, एक बार ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं उसके बाद हम लोग वापस आते हैं और उसके बाद लेवल्स निकालने की कोशिश करेंगे कल के लेवल्स क्या हो सकते हैं। तो ये हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अमेरिकन मार्केट का क्या मूड माहौल है। तो डाउ जोन्स 4 अप्रैल 2022 अभी इनकी मार्केट को ओपन हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं तो डाउ जोन के अंदर 90 पॉइंट्स की गिरावट है, नैसडेक के अंदर 38 पॉइंट्स की तेजी है और S&P 500 जो है फ्लैट के आसपास चल रहा है। तो अमेरिकन मार्केट जो है ऊपर के लेवल पर एक रेजिस्टेंस फेस करते दिखाई दे रही है एंड इसके बाद हम बात करेंगे यूरोपियन मार्केट में, लंदन मार्केट के अंदर थोड़ी सी तेजी है 15 पॉइंट्स की, पेरिस मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट के आसपास है और जर्मनी की मार्केट भी देखा जाए तो तीनों मार्केट ग्रीन में है बट बहुत ज़्यादा कुछ खास ऐसी तेजी यूरोपियन मार्केट में भी फिलहाल नहीं है। इसके बाद एशियन मार्केट में हम लोग बात करेंगे जापान की, तो जापान के अंदर 70+ पॉइंट्स की तेजी है, हांगकॉन्ग के अंदर काफ़ी अच्छी खासी तेजी है, हमारी मार्केट को चेज कर रहे हैं, 462 पॉइंट्स की आज तेजी है लगभग 2% के आसपास एंड चाइनीज़ मार्केट लगातार जो है श्रीलंका को बर्बाद करने के बाद इनकी मार्केट में काफ़ी अच्छी खासी तेजी चल रही है। तो ये है मार्केट का, ग्लोबल मार्केट का मूड माहौल। तो अगर हम बात करें यहाँ से एशियन मार्केट के अंदर ज़बरदस्त तेजी है, बाकी यूरोपियन मार्केट ऑलमोस्ट ग्रीन में है बट कुछ खास ज़्यादा वीकनेस के इंडिकेशन नहीं है, अमेरिकन मार्केट थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिखाई दे रही है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं FIS और DIS का डेटा आज क्या करके गए हैं। तो देखिए यहाँ पर है 4th अप्रैल आज और अगर हम बात करें यहाँ से सबसे पहले FIS ने कैश मार्केट में आज जो है वापस से FIS की तरफ से खरीदारी आती हुई दिखाई दी है, आज भी लगभग 1152 करोड़ की खरीदारी की है और DIS जैसे कि कल हम लोगों ने आपसे कहा भी था कि DIS ने कल बेचा है तो आज खरीदेंगे 1675 करोड़ का आज खरीदारी करके गए हैं। इसके बाद FIS इंडेक्स फ्यूचर के अंदर और ऑप्शन के अंदर हम बात करें तो FIS ने यहाँ पर भी आज जमकर के खरीदारी की है और इसके बाद फ्यूचर के स्टॉक के फ्यूचर ऑप्शन में कुछ खास यहाँ से देखा जाए तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस में है तो न्यूट्रल में है।
अब देखिए, जैसे कि हमने कल आपसे एक डिस्कस किया था, एक और पॉइंट जो कि आपके लिए लगातार हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब भी ऐसा होता है, एक तरफ FIIs कैश मार्केट में खरीदारी करके जाते हैं और दूसरी तरफ इंडेक्स ऑप्शन के अंदर बिकवाली करके जाते हैं, तो अगले दिन मार्केट कैसी होती है, डायरेक्शनल मूव लेती है ऊपर की साइड में। इससे पहले ऐसा लास्ट इस वाली मार्केट में भी हुआ था, मीन्स हम लोग बात करें 31 मार्च फ्राइडे वाली जो मार्केट थी, वहाँ पर भी ऐसा दो चीज़ देखने को मिली। उसके बाद आपने देखा था कल वाली मार्केट भी ज़बरदस्त भागी और उसके बाद आज वाली मार्केट भी इसके बेसिस पर भागी। लेकिन आज जिस तरह का डेटा बन रहा है, यहाँ पर कैश मार्केट में खरीदारी करके गए हैं और इंडेक्स ऑप्शन के अंदर भी आज ये लोग खरीदारी करके गए हैं, तो जब भी ऐसा होता है तो उसके बाद हमारी अगले दिन मार्केट क्या करती है, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर हो करके उसके बाद नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है। ऐसा हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई थंब रूल नहीं है, ना कोई ऐसा थ्योरी है, ना कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर ये बताया जाए। पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऐसा हमेशा होता है, हम लोगों ने देखा है, 100 में से 90% चांसेस ऐसे होते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पर एक बार हम लोग देख लेते हैं जो पोजीशंस बन रही है इंडेक्स ऑप्शन में ये किस तरह की है और यहाँ पर जो पीसीआर रेशो है कैसा है। कल तो पीसीआर रेशो 1.31 के आसपास था, अभी देख लेते हैं इसका पीसीआर रेशो कैसा है। तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं निफ्टी के 7 अप्रैल 2022 की एक्सपायरी इसी हफ्ते की है, जहाँ पर पीसीआर रेशो कितना है, 1.27 का है, कल से थोड़ा सा कम हुआ है। बिकॉज काफ़ी सारे जिन्होंने भी कॉल राइडिंग की थी, मीन्स कॉल को जिन्होंने भी शॉर्ट किया था, उन सभी को आज मार्केट ने ज़बरदस्त तरीके से ट्रैप किया है और जिस किसी ने भी पुट लेकर के कल गए थे उन सभी को मार्केट ने आज ज़बरदस्त ट्रैप किया है। तो अभी यहाँ पर जो है 13 अप्रैल 2022 पीसीआर रेशो 1.09 का है, तो जो कि फिलहाल अभी एक के ऊपर ही है। आज तो मार्केट भागा किसकी वजह से, HDFC ग्रुप में जो काफ़ी बड़ी खबर आई उसकी वजह से मार्केट काफ़ी अच्छा भागा है, बट जरूरी नहीं है कि कल भी मार्केट इसी तरीके से भागता हुआ नजर आए। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा तैयार रहना, कल के दिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो पोजीशंस बन रही हैं वो आज कॉल की साइड में बन रही हैं। कल इन लोगों को ट्रैप किया गया था मार्केट ने, कल जो भी लोग यहाँ पर पोजीशन लेकर के गए थे आज इन सभी को मार्केट ने ट्रैप किया है, पुट ओपन इंटरेस्ट जो लोग बिल्टअप करके गए थे, हो सकता है कल इन लोगों को ट्रैप कर ले जाए मार्केट की तरफ से। थोड़ा सा अलर्ट रहना बिकॉज जो पोजीशंस आज बन करके जा रही हैं, मैक्सिमम जो पोजीशंस हैं 18,000 वाले स्ट्राइक प्राइस पर देखिए 49 लाख के आसपास जो है ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुए हैं। इसके बाद जो है 17,800 वाला जो लेवल है यहाँ पर भी ज़बरदस्त तरीके से पुट राइटिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो डेटा यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को इशारा कर रहा है कि कल कुछ ऊंच नीच मार्केट में हो सकता है, इसके लिए आप लोग तैयार रहना। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी का भी एक बार लगा लेते हैं। बैंक निफ्टी का कल तो काफ़ी ज़्यादा था और आज डेफिनेटली काफ़ी सारे पुट लेने वाले आज ज़बरदस्त तरीके से ट्रैप हुए होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये है 7 अप्रैल 2022 का डेटा, जिसके अंदर पीसीआर रेशो 1.5 का है, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, अलार्मिंग बेल है हमारे लिए, रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा रिस्की है, बिकॉज 1400 पॉइंट्स एक दिन में भाग भी गया है मार्केट। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कॉल राइडिंग आज देखने को मिल रही है ये है आपके लिए 39,000 वाला स्ट्राइक प्राइस में। तो जिन लोगों के ने भी पुट लेकर के गए थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एवरेजिंग की होगी, काफ़ी लोगों को एग्जिट किया होगा, बट जिन्होंने एवरेज कर करके मार्केट में अब ऊपर के लेवल पर प्रेशर बनाया हुआ है, वो हो सकता है कल आपको इसका इम्पैक्ट देखने में मिले। तो 39,000 वाला जो स्ट्राइक प्राइस है 14 लाख से ज़्यादा यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट प्राइस बिल्टअप हुए हैं। एंड नीचे के साइड में हम लोग आते हैं तो 38,500 वाले स्ट्राइक प्राइस पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पुट राइडिंग हो रखी है, लगभग 1.15 का यहाँ पर पीसीआर निकल करके आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर चार्ट के ऊपर। तो FINO का जो डेटा है हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की अलार्मिंग बैल हमारे लिए है, कल के लिए थोड़ा तैयार रहना। एंड US की 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड्स है लगातार इसके अंदर वृद्धि हो रही है, आज भी 1.5% ऊपर है, लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है। और जैसे कि कल हम लोगों ने आपको बताया था कि क्रूड ऑयल जो है 7,250 का अच्छा सपोर्ट है, देखिए आज 3.5% ऊपर है, तो जिस किसी के पास ONGC का शेयर है वो लोग घबराए ना, वापस से बाउंस बैक आएगा और वापस से 175-180 के लेवल आपको दिखाएगा। एंड करंट लेवल से चाहें तो आप लोग इसके अंदर एवरेज करके चल सकते हैं। इसके बाद नैसडैक की बात करें तो यहाँ पर 122 पॉइंट्स की तेज़ी चल रही है, और डाउजोन की बात की जाए तो यहाँ पर जो गिरावट है थोड़ी सी थमी है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर बाकी सब कुछ ठीक है डेटा, और इंडिया विक्स भी काफ़ी ज़्यादा कूल डाउन हो चुका है, लगभग 18 के नीचे आ चुका है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा मार्केट एक अच्छा हम लोग को एक रिटर्न दे सकता है, ऑलरेडी दे भी चुका है, बट थोड़ा सा अभी आज जिस तरीके से गैप अप हुआ है उसको कल हो सकता है मार्केट उसको फिल करने की कोशिश करे। तो अभी हमारी मार्केट में और SGX निफ्टी के अंदर लगभग 130 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 130 पॉइंट्स जो है SGX निफ्टी ऊपर चल रहा है। अगर ये मेंटेन कर लेता है कल ओपनिंग के टाइम पर भी हमारी मार्केट के, तो डेफिनेटली कल हमारी मार्केट में गैप अप हो सकता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो देखिए निफ्टी ने सभी लेवल्स छोड़ दिए हैं, अब यहाँ से 18,100 के लेवल को आज छुआ भी था, बट उसके बाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जिस तरीके से आपको बताया था कि पुट लेकर के गए हैं तो उन्होंने एवरेजिंग कर करके वापस से नीचे की तरफ प्रेशर बनाया है, और हो सकता है कि कल वो लोग सक्सेस भी हो जाए अपने उस इरादों के अंदर। सो फाइनली यहाँ पर हमारा चार्ट ओपन हो चुका है। अब देखिए 15 नवंबर 2021 को लास्ट यहाँ पर जो हाई बनाया था मार्केट ने 18,210 का हाई बनाया था, और आज मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस किया 18,100 के ऊपर, 111 के आसपास समथिंग आज मार्केट गया था
एग्जैक्टली 18,114 के आसपास मार्केट आज गया था। तो अगर मार्केट ये वाली जो लाइन है इसको मार्केट कल तोड़ करके 18,222 के ऊपर 220 के ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है तो वहाँ से एक अच्छा कन्फर्मेशन हमें मिलेगा और मार्केट नया लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। और ये करिश्मा आपको हो सकता है कि अभी अप्रैल का चल रहा है, 4 अप्रैल है, तो हो सकता है आपको 15-16 अप्रैल के आसपास मार्केट आपको लाइफ टाइम हाई बनाता हुआ दिखाई दे और मार्केट एक नया हाई बनाए और वो हाई हो सकता है 18,800 प्लस का मार्केट आपको हाई बना करके दे सकता है। चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। 15 नवंबर 2021 की जो डेट का जो मार्केट ने हाई बनाया था, बस इसको मार्केट आज डिसाइसिवली तोड़ दे कल के सेशन के अंदर। तो ये वाले जो कैंडल आपको दिखाई गई है ये है आपका रेजिस्टेंस। तो हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है कल के लिए अभी छोटा सा, इसके बाद जिस तरीके से क्लोजिंग हुई है उसके हिसाब से 18,100 का लेवल का रहेगा, उसके बाद 18,160 का और इसी तरीके से 18,220 का हमारे लिए कल रेजिस्टेंस भी है और ये आपके लिए एज अ टारगेट भी है। मार्केट कल कहाँ पर ओपन हो सकता है ये तो फिलहाल अभी कहना बहुत मुश्किल है। उम्मीद करते हैं कि मार्केट जहाँ पर क्लोज हुई है 18,100 के ऊपर कल मार्केट ओपन होना चाहिए। चांसेस कितने हैं, चांसेस जो है 80% से ज़्यादा के नज़र आते हैं। नीचे के लेवल पर मार्केट जो है वीकनेस कब आएगा, मार्केट अगर कल 17,800 के लेवल को तोड़ेगा तभी हम लोग कहेंगे कि मार्केट में वीकनेस कंटिन्यू रह सकता है, पर उससे पहले अभी फिलहाल इसके अंदर ऐसे चांसेस नज़र नहीं आते हैं। तो ये आपके लिए निफ्टी के टारगेट हो गए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऐसे बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी ने आज 38,765 का लेवल आपको दिखाया था, ज़बरदस्त यहाँ पर आज तेजी आई थी। अब इसी तरह से हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट की। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आपको यहाँ पर एक कैंडल दिखाई दे रही होंगी, दो कैंडल। यहाँ मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस किया था, ये था 12 जनवरी की डेट का और मार्केट ने यहाँ पर जो रेजिस्टेंस फेस किया था 38,851 का था और अभी मार्केट जो है 38,000 आज भी अगर आप देखोगे तो 38,765 तक गया था। तो इसको एज अ 12 जनवरी का जो लेवल था इसको एज अ मार्केट जो है रजिस्टर फेस कर रहा है। इसके बाद जो एक नेक्स्ट रजिस्टेंस है मार्केट के लिए ये है यहाँ से 3 फरवरी का, यानी 3 फरवरी को मार्केट ने यहाँ पर एक जो रजिस्टर फेस किया था ये था 39,424 का, जो काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है। तो ये है आपके लिए एक लेवल्स अभी फिलहाल जो रेजिस्टेंस का काम करने वाला है मार्केट के लिए। तो अभी यहाँ से हम कल के लिए किस तरह के लेवल्स देख सकते हैं, तो कल हमारा जो टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी का 38,800 का फर्स्ट टारगेट हमारे रहेगा। उम्मीद करते हैं मार्केट इसी के आसपास ओपन हो और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट इसके अंदर मार्केट में जो कल आपको दिखाएगा वो इसके अंदर आ सकता है 39,100 का और इसी तरीके से 39,250 तक के लेवल्स कल हम लोगों को हो सकता है कि बैंक निफ्टी आपको इजीली टेस्ट करा दे। एंड इसके बाद जो सपोर्ट कल के लिए रहेगा स्टॉप लॉस आपको इसके अंदर जो फॉलो कर रहा है निफ्टी के लिए वो इसके अंदर रहेगा 38,425 का। 38,425 के नीचे निकलेगा मार्केट तो हो सकता है कि इसके बाद हमारे अंदर जो मार्केट है जो निफ्टी बैंक है इसके अंदर वीकनेस थोड़ा एक्सटेंड हो जाए और वापस से हम लोगों को 37,000 के लेवल मार्केट एक बार दोबारा से 37,500 के लेवल आपको दिखा जाए। कन्विक्शन किस साइड की ज़्यादा है तो कल हो सकता है कल मार्केट गैप अप होकर के थोड़ा बहुत ऊपर जा करके फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आकर के हम लोगों को कल क्लोजिंग दे सकते हैं। सो गाइज ये है फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स एंड टारगेट्स कल के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। इसके अलावा आपके जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।